नमस्कार, एसटीवी न्यूज ऑनलाइन में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पायलट का जोधपुर दौरा, कार्यकर्ताओं से हुए रूबरू। मुख्यमंत्री राज्य के दौरे पर कसा तंज। क्रिकेटर मोहम्मद शमी दुर्घटना में हुए घायल, देहरादून से दिल्ली सड़क पर हुआ हादसा, बाल बाल बचे क्रिकेटर शमी। रामनवमी पर निकली भगवा रैली, हिंदूवादी संगठनों ने किया आयोजन, भारत माता की जय के नारों के साथ मोटरसाइकिलों पर निकले राम भक्त। बस्ती में घुसा बघेरा, वन कर्मियों ने किया ट्रंकुलाइज, सवाई माधोपुर के हनुमतपुरा की बस्ती में आया बघेरा। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट रविवार को दोपहर जोधपुर पहुंचे। यहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। बाद में पायलट ने कुछ देर सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की। यहां उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सरकार सिर्फ कांग्रेस की उपलब्धियों का नाम बदल रही है और कुछ नहीं कर रही, महात्मा गांधी तक को कम आंका जाने लगा है। जयपुर में मंदिर तोड़े जा रहे हैं लेकिन राम मंदिर को मुद्दा बना रखा है। इस दौरान पायलट ने कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनता की पीड़ा सुनने वाला इस राज में कोई नहीं, यहां तक कि भाजपा के नेता ही आरोप लगाते हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते। अब जनता ही तय करेगी कि राज किसे सौंपना है। मुख्यमंत्री के दौरे पर पायलट ने कहा कि कल यहां मुख्यमंत्री आई थी, अब घूमने से क्या मिलने वाला है। जनता अब मन बना चुकी है कि कांग्रेस फिर से इस बार बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। वहीं खानों के आवंटन को लेकर पायलट ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पायलट ने कहा कि 12 जनवरी 2015 को सरकार ने यह निर्णय किया था कि माइंस का आवंटन नहीं होगा, लेकिन प्रदेश की सरकार ने उसी दिन सैकड़ों खाने रातों रात आवंटित कर दी। उसके बाद इन खानों को कैंसिल भी कर दिया गया। जिनकी खाने कैंसिल हुई उनके द्वारा कोर्ट में पिटीशन डाल दी गई। जज के निर्णय में लिखा गया कि सरकार ने जानबूझकर इसके तथ्य छुपाए, इसलिए इसे कैंसिल करना पड़ा। पायलट ने यह भी कहा कि सरकार जानबूझकर इस केस को हारना चाहती थी, जिससे दोबारा इनके आवंटन करने का कारण मिल सके। जज खुद कह रहे थे कि तथ्य मिलते तो CBI को जांच सौंप दी जाती। जोधपुर में अपने कार्यक्रम के बाद सचिन बीकानेर के लिए रवाना हो गए। तो रातों रात 650 माइंस कैंसिल कर दी। अब देखो कितनी चतुराई से उन्होंने काम किया। वो खाने कैंसिल कर दी गई और जब जिनकी खान कैंसिल हुई कोर्ट में उन्होंने एक पिटीशन डाली। कोर्ट में जब पिटीशन डाली गई कि कैंसिलेशन गलत किया गया है, तो राजस्थान सरकार ने जानबूझ के, और ये कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है, जानबूझ के पूरे तथ्य जज साहब को उपलब्ध नहीं कराए। जज के जजमेंट में आप पढ़िएगा, जज साहब ने स्पष्ट लिखा है कि अगर ये पूरे डॉक्यूमेंट मुझे दे दें तो मुझे इस जांच को CBI को देने में कोई हर्जा नहीं है। लेकिन सरकार ने जानबूझ के उनसे फैक्ट छुपाए और ये कारण भी नहीं बताया कि उन्होंने कैंसिल क्यों किया। जब आप तथ्य नहीं दोगे, आप वकालत नहीं करोगे, अपने खुद के निर्णय को आप डिफेंड नहीं करोगे, तो एविडेंस के अभाव में कोर्ट को उस कैंसिलेशन को कैंसिल करना पड़ा। अब जब कोर्ट ने कैंसिल किया तो नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है कि सरकार अपने निर्णय पर अड़ी रहती है। उस निर्णय को ना तो डबल बेंच में चैलेंज किया, ना सुप्रीम कोर्ट गए, मतलब जानबूझ के ये सरकार उस केस को हारना चाहती थी ताकि पेटिशनर को फायदा मिले और वो खान जो आवंटित उन्होंने गलत की थी पहले और हमारे दबाव में उन्होंने कैंसिल करी, उसको दोबारा आवंटित करने का रास्ता खोल सके। कोर्ट ने कहा कि 2 महीने में आप आवंटन वापस करिएगा, क्योंकि सरकारी वकील ने कोई तथ्य नहीं दिए, कोई जवाब नहीं दिया, और अगर जवाब देते तो जज खुद कह रहे हैं कि मैं CBI को जांच देने को तैयार हूं। भारतीय क्रिकेट टीम के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी रविवार को एक कार दुर्घटना में घायल हो गए। उनकी दाईं आंख के ऊपर चोट लगी है और उनके 10 टांके भी आए। उनकी हालत सामान्य बताई गई है, वे खतरे से बाहर हैं और देहरादून में आराम कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार शमी पिछले कुछ समय से देहरादून की अभिमन्यु क्रिकेट अकेडमी में अभ्यास के लिए आए हुए थे। यह अकेडमी बंगाल के बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन की है। शमी ट्रेनिंग पूरी कर दिल्ली लौट रहे थे और इस दौरान उनके साथ यह घटना हो गई।
एक ट्रक ने उनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी। शम्मी को इलाज के लिए सीएमआई अस्पताल ले जाया गया, जहां सर्जन डॉक्टर तरुण जैन ने इनका इलाज किया। दो दिन पहले ही बीसीसीआई ने शम्मी को फिक्सिंग के आरोप से मुक्त करते हुए एक साल के अनुबंध के लिए ग्रेड बी में शामिल कर लिया था। शम्मी पर उनकी पत्नी हसीन जहां ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर भी दर्ज कराई थी। कोलकाता पुलिस मामले की जांच कर रही है। शम्मी अगले महीने से शुरू होने जा रहे आईपीएल के 11वें संस्करण में दिल्ली डेयर डेविल्स की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे। सवाई माधोपुर शहर में आज रामनवमी पर्व के उपलक्ष्य में राम भक्तों द्वारा एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1000 मोटरसाइकिलों सहित अन्य वाहन भी शामिल हुए। रैली कलेक्ट्रेट के सामने इंदिरा मैदान से शुरू होकर मुख्य बाजारों से होते हुए जामा मस्जिद पहुंची। इस दौरान जगह जगह राम भक्तों के भव्य स्वागत किए गए। साथ ही आपसी भाईचारे और एकता की मिसाल कायम करते हुए रैली पर फूल बरसाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकता का परिचय दिया। रामनवमी के मौके पर सवाई माधोपुर में हिंदूवादी संगठनों ने भगवा रैली का आयोजन किया। मोटरसाइकिलों पर सवार सैकड़ों हिंदू भक्त हाथों में भगवा ध्वज लिए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए निकले। वहीं जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। इस रैली में टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, विधायक दिया कुमारी, यूआईटी चेयरमैन जगदीश अग्रवाल सहित भाजपा के कई पदाधिकारी शामिल हुए। शहर राजबाग में श्री राम भगवान की आरती के साथ रैली का समापन हुआ। इस दौरान सांसद और विधायक दोनों ने रैली में सजाई गई झांकियों की आरती उतारकर रैली का समापन किया। अलवर में बालाकिला क्षेत्र में स्थित करणी माता मंदिर में अष्टमी के मौके पर माता के दर्शन करने भक्त पहुंचे। उधर घरों में भी कन्याओं को भोज कराकर अष्टमी पूजन किया गया। वहीं दुर्गा अष्टमी और रामनवमी के मौके पर बहरोड के दहमी हमजापुर में मनसा माता मंदिर पर लक्खी मेला भरा। इस दौरान विभिन्न राज्यों सहित राजस्थान के हजारों की संख्या में भक्तों ने पहुंचकर मां के दर्शन किए और दरबार में हाजिरी लगाकर मन्नत मांगी। नौ दिनों तक चलने वाले नवरात्र महोत्सव में रविवार को अष्टमी पूजन के दौरान जहां घरों में कन्याओं का पूजन किया गया, वहीं मंदिरों में भी माता के दर्शन करने वालों की भीड़ लगी रही। अलवर में करणी माता मंदिर पर अनेकों श्रद्धालु पहुंचे और मां के चरणों में ढोक लगाई। वहीं अनेकों भक्तों ने मन्नत का डोरा बांधकर अरदास की। और यहां लक्की मेला भरता है, पूरे जिले से और अब तो दूर दराज से लोग भी यहां आते हैं और अलवर शहर के लोग पूरी श्रद्धा के साथ मेले को सफल बनाने में जुट जाते हैं। जगह जगह पानी की प्याऊ, मीठे पानी की प्याऊ, शरबत, भंडारे। उधर बहरोड के दहमी हमजापुर में मनसा माता मंदिर के लक्खी मेले में हजारों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने मां के आगे शीश नवाया और परिवार में खुशहाली की दुआ मांगी। दुर्गा अष्टमी के मौके पर मंदिर के चारों ओर अनेकों खान पान से लेकर प्रसादन सामग्री और खिलौनों की दुकानें सजी थी। वहीं मेले में झूलों पर भी महिला और बच्चों ने झूलों का आनंद उठाया। मेले में बहरोड डीएसपी जनेश तंवर और एसएचओ महावीर सिंह के नेतृत्व में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए। इस दौरान लोक संस्कृति से ओतप्रोत कलाकारों ने रंग जमाया, इसमें भारी भीड़ देखी गई। मनसा माता के भक्तों ने बताया कि दहमी हमजापुर में अश्विनी शुक्ल व चैत्र शुक्ल सप्तमी और महाअष्टमी को दो दिनों तक माता का साल में दो बार मेला भरता है। मनोकामनाएं पूरी होती है, उनकी कुल देवी है वही आते हैं, वैसे भी आते हैं। जहाँ जड़ोले धोख लगाने, सबसे पहले चवामणि करने, चवामणि करनी, जो भी धर्म पूर्ण करना है अपने श्रद्धा अनुसार सभी करते हैं। रास्ता देख रही
अपनी आग के तारों का रास्ता देख रही है माता अपनी आग के तारों का। देखो अपने पांव के छालों को चलते जाओ तुम मत देखो अपने पांव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया। सवाई माधोपुर में बौली उपखंड के दतुली पंचायत के ग्राम हनुमतपुरा की बस्ती में रविवार को एक बघेरा घुस गया। वह बस्ती स्थित एक मकान के पीछे झाड़ियों में करीब 2 घंटे तक बैठा रहा। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर वन कर्मी, बौली थाना पुलिस और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। उन्होंने मौके से भीड़ को हटाया। बाद में रणथंभौर बाघ परियोजना की रेस्क्यू टीम भी पहुंची। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद बघेरे को ट्रंकलाइज किया गया। बेहोश होने पर बाद में उसे जाल में लपेट कर वापिस जंगल में जाकर छोड़ दिया गया। बघेरे को ट्रंकलाइज करने वाले वनकर्मी राजवीर ने बताया कि बघेरा मकान के पीछे की दीवार पर था। वहीं आसपास झाड़ियां होने के कारण उसे ट्रंकलाइज करना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे में उस मकान की जाली तोड़ी गई, फिर उसमें से ट्रंकलाइज गन से निशाना साधा गया। कुछ देर में बघेरा बेहोश हो गया, तब उसे पकड़ लिया गया। हमने प्रशासन को सूचना की तो प्रशासन आने में करीबन थोड़ा टाइम लगाया, भाई प्रशासन आ गया। प्रशासन आने के बाद इन्होंने इंजेक्शन लगा के पकड़ लिया। ग्रामीणों के सहयोग से ग्रामीणों ने चारों तरफ इसका कोई हल्ला किया नहीं और इसको गिरफ्तार किया। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पायलट का जोधपुर दौरा, कार्यकर्ताओं से हुए रूबरू। मुख्यमंत्री राज्य के दौरे पर कसा तंज। क्रिकेटर मोहम्मद शमी दुर्घटना में हुए घायल, देहरादून से दिल्ली सड़क पर हुआ हादसा, बाल बाल बचे क्रिकेटर शमी। रामनवमी पर निकली भगवा रैली, हिंदूवादी संगठनों ने किया आयोजन, भारत माता की जय के नारों के साथ मोटरसाइकिलों पर निकले राम भक्त। बस्ती में घुसा बघेरा, वनकर्मियों ने किया ट्रंकुलाइज। सवाई माधोपुर के हनुमतपुरा की बस्ती में आया बघेरा। स्पार्कल प्राइम इंडियन न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।